नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो जिला आवंटन की प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू हो चुकी है उसके बारे में। तो देखिए, आज 15 तारीख है और कल आपकी 16 तारीख हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए एक नोटिस जो है, नोटिस तो कह नहीं सकते, एक वहाँ पर चस्पा किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका इन सिटिंग मामला कैसे होगा, ठीक है। आपको कैसे बैठाया जाएगा और कैसे क्या प्रक्रिया आपको की जाएगी, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, जिसे आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो स्टार्ट करता हूं, देखिए मैं तो ये देखिए फ्रेंड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नव नियुक्त चलकों नलकूप चालकों का खंड आवंटन हेतु पंजीकरण 16 मार्च 2020 से स्टार्टिंग हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टाइम टेबल ग्रेड लिस्ट के हिसाब से कैसे बिठाया जाएगा। ग्रेड लिस्ट का जो क्रमांक होगा 1 से 20 को आप टेबल नंबर 1 पर बिठाया जाएगा। उनके सामने जो स्क्रीन लगी होगी उस पर जो आपकी वैकेंसी है, जो आपकी बची हुई है, वो आपके सामने चलती रहेंगी। चलती कैसे रहेंगी, तो मान लीजिए जैसे कि 1 से 20 तक आपको टेबल नंबर 1 पर, 40 से 20, 21 से 40 टेबल नंबर 22 और 41 से 60 टेबल नंबर 30 पे इस तरह से आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। आप जो वहाँ पर जैसे फिल करेंगे, अपनी चॉइस को फिल करेंगे, सामने वहाँ पर वैकेंसी आपको चलती दिखाई देंगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे जैसे आपका आवंटन हो जाएगा और आपको एक वहाँ पर पंजीकरण लेटर बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद आपको उसे प्राप्त करने के बाद जो जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी आपके नलकूप चालक के लिए, कि आपको वहाँ पर कैसे जाकर किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को आगे करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा, वो आपकी क्लियर चीज़ें कुछ वहीं पर हो जाएंगी। तो मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन मेरे दोस्तों ने अपने परपत्रों को नहीं भरा है, वो अच्छे से भर ले, जो चीज़ आती है वो भर ले, वहाँ पर शायद आपको टाइम समय मिल जाएगा। या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लड़कों का 16 तारीख में आपका जिला आवंटन होगा, वो कमेंट में नंबर अपना डाल दें, और जिन कैंडिडेट का 16 के बाद होगा वो उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि आप सभी मित्र मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके। एक हमारा ग्रुप लिंक है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन कैंडिडेट का 16 तारीख में हो जाएगा, वो अपना नंबर प्रोवाइड करा दें बाकी के दोस्तों को, और उन्हें बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, उनसे अपनी जो है नॉलेज को जरूर शेयर करें, ताकि मान लीजिए कोई गलती छोटी सी आपने की है, तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके बाद वहाँ पर जाएंगे, वो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आपको आपके आधार कार्ड की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, आपकी आइडेंटिटी आपके पास होनी, कम से कम 2 ID तो आपके पास होनी चाहिए, कम से कम व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जो आया था उसमें देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, और आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट का 16 तारीख में हो जाएगा, प्लीज़ वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें जरूर डाल दें, ठीक है। और एक दूसरे मित्र जो होंगे और जिनका 16 के बाद है, वो आपका नंबर प्राप्त करके आपसे नॉलेज कर लेंगे। मैं भी आपका भाई के जैसे हूँ, मैं भी किसी न किसी से पूछ लूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।